वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो भाई आज फिर खाने की एक वीडियो है, ठीक है, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बहुत आसान सी है, लेकिन ये कि बहुत सिलेक्टेड जो हैं वो लोग जो हैं उसको पसंद करते हैं। हर बंदा जो है वो इन चीज़ों को नहीं खाता है, लेकिन ये कि आपको ट्राई करवाते हैं, तो कोशिश करें कि आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी एक मशहूर डिश है कटाकट, ठीक है। उसके अंदर तो ये बड़े शौक़ से लोग इसको जो है वो खाते हैं पका के, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बकरे के जो है वो एक गुर्दे इस्तेमाल कहते हैं। उर्दू में इसको गुर्दे बोलते हैं और इंग्लिश में इसको जो है वो किडनीज बोलते हैं। और हमने यहाँ पर जो है ना वो बड़े के गुर्दे लिए हैं, और साथ ही में जो है हमने जो है वो पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब तक जो है वो पानी हल्का हल्का बॉयल हो रहा है, तब तक जो है वो हम इसके पीसेस कर रहे हैं, ताकि जो है वो इसको हम जो है वो छोटा छोटा कर लें और ये बासानी जो है वो पक सकें। क्योंकि कटाकट के अंदर जो है ना वो इसको बिल्कुल मैश कर दिया जाता है, छोटा छोटा कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है वो हमने इसको जो कोशिश की कि इनके छोटे छोटे पीसेस, ताकि आसानी से पक सकें। पानी के ऊपर देख रहे हैं कि हल्के हल्का जो है ना वो बबल आने शुरू हो चुके हैं, और अभी हम इसके अंदर जो है वो ये गुर्दों को ऐड करना शुरू करेंगे। इसको हल्का सा बॉयल करना है, ठीक है। बॉयल करने का एक मकसद ये भी है कि जो इसके अंदर हल्की सी हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और ये हल्के से जो है ना वो जो कच्चापन है वो भी इसका कम हो जाता है। एक बॉयल इसको एक जो है ना वो उबाली दे दें, और उसके बाद पानी को फेंक दें। लेकिन ये कि पानी के अंदर बॉयल करने से ये होता है कि आपका जो जो हम इसको पका रहे हैं या कटाकट बना रहे हैं, जो भी इसकी जो डिश बना रहे हैं, तो वो इजीली जो है वो गल जाती है। ये देखें आप, इसके ऊपर जो है वो हल्का हल्का बॉयल होने के बाद जो है इसके अंदर जो चिकनाहट थी वो भी ऊपर आनी शुरू हो चुकी है, और ये हल्का हल्का जो है वो बॉयल भी हो रहा है साथ साथ। अच्छा, अभी इसके साथ हमने जो है वो दो अदर टमाटर जो है वो ले लिए हैं, इनको जो है वो छोटा छोटा कर लिया, ताकि जो है अगर आपने इसको ग्रेवी के अंदर बनाना है, यानी कि थोड़ा सा मसाला हो बीच में, तो आप इसको वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो इसके साथ आप थोड़ी सी जो है वो ग्रेवी बना लें। अच्छा, टमाटर को छोटा करने की भी ख़ास वजह ये होती है कि आपको जो है वो कढ़ाई के अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, टाइम भी आपका कम लगता है। ये देखें आप, साथ साथ जो है वो इनके ऊपर जो है वो अब कंप्लीट जो है वो पानी जो है बॉयल होने शुरू हो चुका है। इनके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जो चिकनाहट होती है और पानी का रंग भी आप देखें चेंज हो गया, अभी ये ऑलमोस्ट जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अभी इनको पानी से जो है वो निकाल लेते हैं। ये अभी हमने दोबारा जो है वो कढ़ाई को वापस रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और इसमें भी हमने ऐड कर रहे हैं शीप की चर्बी कह लें या फैट कह लें। इसको हम इसलिए बना रहे हैं इसके अंदर क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर जिनको चर्बी नहीं पसंद है तो वो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बताते ख़ुद जो है वो ऑयली मतलब ये चीज़ें पसंद हैं, तो इसलिए मुझे मैंने प्रेफर किया कि मैं जो है वो इसको चर्बी के अंदर ट्राई करूं। अब इसको हल्की आंच पे करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे वैसे ही इसके अंदर से जो है वो ये हल्का हल्का जो इसका ऑयल है ये इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको तेज़ आंच के ऊपर रखेंगे तो ये ऑयल जल जाएगा, और ये जो
के क्या कहेंगे आप, आसान अल्फाज में चर्बी कह लें तो बेहतर है, तो वो जल जाएगी। अच्छा, हमने थोड़ी सी मिर्चें भी ले ली हैं साथ में, और इनको जो है वो बिल्कुल जो है वो बारीक कर लेंगे साथ साथ, ताकि हमें इसे जो है वो गलाने में कम से कम वक्त लगे। आप इसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत में ये होता है कि अक्सर जो है वो फिर टमाटर कच्चे रह जाते हैं या फिर वो काफ़ी टाइम जो है वो गेन करते हैं। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। हमने इसको हल्के आंच पे इसलिए रखा था ताकि ये ऑयल ना जले। अभी आपके सामने ऑयल देखें बिल्कुल वाइट है। अगर हम इसको तेज़ करते तो ये ऑयल तो जल्दी निकल जाता, लेकिन ये ऑयल का रंग जो है वो डार्क हो जाता, और फिर हो सकता है कि इसके अंदर से जलने की स्मेल भी आती। तो इसकी कोशिश करें कि उसको जो है वो हल्के आँच पर रखें, ताकि ये स्लो स्लो जो है वो इसमें से ऑयल जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाए। अब आप देखें काफ़ी हद तक जो है वो ऑयल इसके अंदर से निकल चुका है। अब इसमें हमने टमाटर जो बिल्कुल बारीक कर लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है, और स्लो स्लो जो है वो इसको जो है वो मिक्स करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये टमाटर हमने दो लिए हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो कम थी। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है और अफराद ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से आप टमाटर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अच्छी तरीके से जो है वो गला लें, टमाटर जितने अच्छे गल जाएंगे उतना अच्छा पेस्ट आपका बनेगा। ये वजह यही थी कि हमने टमाटर को छोटा इसीलिए किया था कि ताकि जो है वो ये आसानी से जो है गल जाए। अब हमने इसमें जो पीसेस थे गुर्दे के वो इसमें ऐड कर लिए अभी, और इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो इसको ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन कराची के अंदर कटाकट के अंदर बहुत शौक से इसको खाया जाता है, और बहुत ही बेहतरीन इस किस्म का इसका टेस्ट होता है। अब इसमें हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इससे ये होगा कि एक तो रस के अंदर स्मेल होगी, हम तो स्मेल पहले इसकी रिमूव कर चुके क्योंकि हमने इसको बॉयल कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है कि अगर इसके अंदर स्मेल हो तो उसके लिए हमने अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट शामिल कर लिया है, और इसको अच्छी तरीके से अब इसको भून लें ताकि जो है वो ये इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आपके सामने देखें हल्के हल्का जो है वो इनका शेड बदलने शुरू हो चुका है। इसमें हसबे ज़रूरत आप सॉल्ट ऐड कर लें, और फिर इसके साथ आपने स्पाइसेस आपको जितने अगर पसंद हैं जो भी वो आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो है वो सूखा धनिया जो है वो ऐड किया है, और इसमें थोड़ी सी जो है वो टेस्ट के लिए रेड चिली जो है वो भी ऐड कर लें आप इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा हो तो आप इसकी क्वांटिटी और दूसरे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम स्पाइसेस से ये होता है कि आपको इसका अपना टेस्ट का भी फील आता है। जब आप स्पाइसेस किसी चीज़ में ज़्यादा डाल देते हैं तो उस चीज़ का अपना टेस्ट कम हो जाता है, स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से आप भून लें, और भूनने से ये होगा कि जो मसाला है वो इसमें कच्चा नहीं होगा। आप देखें अब इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें हमने जो है वो अभी ग्रीन चिली ऐड कर ली है। तकरीबन ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है अभी।
बहुत अच्छी फील आ रही है इस वक्त, और जो खुशबू है इसकी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। किचन का सीन है और ये हम तैयार कर रहे हैं, आप भी ट्राई करें।